हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रीमी क्रिएशंस बाय हर्षा। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ही अलग है। आपने ऑमलेट सुना होगा, बट आज मैं एगलेस ऑमलेट बनाने वाली हूँ। तो उसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप बेसन, 3 चम्मच मैदा, 3 टेबलस्पून लेनी है, अपनी घर की नॉर्मल स्पून जो है वो यूज़ नहीं करनी है। इन दोनों चीज़ों को बीटर की मदद से मिक्स कर लें ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे, लम्स ना रहे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके 3/4 ग्लास पानी डालेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है, एक साथ पानी डालने से इसमें गुठलियाँ बनती है, तो इसमें एक साथ पानी नहीं डालना है। धीरे धीरे करके इसे मिक्स करते जाएं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो रनी कंसिस्टेंसी रहेगी, मीन्स थिक नहीं होगी। आप ये तवे पर पोर करोगे तो अच्छे से ये पोर हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ये पूरा जो है वो थिक कंसिस्टेंसी वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बना रहे हैं बिना अंडे का ऑमलेट। ऑमलेट जनरली अंडे से ही बनता है, पर आज हम बना रहे हैं बिना अंडे का ये क्विक नाश्ता। इस बैटर को अब हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो आप इसमें बबल्स देख सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं किया है, बस इसको अच्छे से फेटा है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, क्योंकि हमें इसका टेक्सचर अंडे जैसा चाहिए, बट अंडे के बिना। तो इसके लिए हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर आपको आसपास में कोई भी किराने की दुकान पर आपको मिल जाएगा इजीली। इसको अच्छे से फेट लेना है, एक ही डायरेक्शन में फेटना है। अब हम इसमें थोड़ी सी सब्जियां डालेंगे। सब्जियों में ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, पर सब्जियों में हम डालेंगे धनिया पत्ता, मिर्ची कटी हुई, मिर्ची आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हो, और फाइनली चॉप किया हुआ प्याज। प्याज मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का लिया है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप उस तरह से ऐड कर सकते हो, बट इतने मेजरमेंट के लिए ये मेजरमेंट सब्जियों का काफ़ी है। तो इन सब चीज़ों को डालकर एक बार से फिर मिक्स कर लें। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। अब हम इसकी एक सॉस प्रिपेयर करेंगे। इसमें मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच गार्लिक की चटनी और 1 चम्मच टोमेटो केचप। अगर आपको स्वीट टेस्ट इसमें नहीं चाहिए तो आप टोमेटो केचप अवॉइड कर सकते हो। ये आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। टोमेटो केचप बहुत ज़्यादा नहीं डाली है, आप एक ट्राई करके देख लेना। अगर नहीं अच्छा लगे तो टोमेटो केचप को अवॉइड करना। और गार्लिक चटनी बहुत ही इजी है बनाना, मैं आपको बता दूंगी। अब हम एक पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद ये जो बैटर हमने बनाया है वो 2 बड़े चम्मच डालकर इसको अच्छे से फैला देना है। अब ये जो मैं कर रही हूँ वो मैं लो फ्लेम पर ही कर रही हूँ, क्योंकि फुल फ्लेम पर ये नीचे से जल जाएगा, हमें जलाना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रेड स्लाइस के छोटे छोटे टुकड़े करके इसको पूरा फैला देंगे ताकि एक इसका बेस बने, इसका लेयर बने। सारे के सारे बैटर के ऊपर ब्रेड के टुकड़े आ जाने चाहिए ताकि एक इसका लेयर अच्छा बन जाए। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे ताकि ये ब्रेड जो है वो अच्छे से सिक जाए जब हम पलट कर सिकाएंगे तब। अब इसको थोड़ा सा प्रेस करें ताकि बैटर के अंदर ये स्टिक हो जाए। अब तब तक नीचे का लेयर जो है वो पूरी तरह से पक चुका है। अब इसको पलट देंगे हम। आप देख सकते हैं कि नीचे का जो लेयर है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, टेक्सचर दिख रहा है ना अंडे जैसा। अब इस पर हमने जो सॉस प्रिपेयर की हुई है वो हम स्प्रेड कर लेंगे।
ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये नाश्ता आप बच्चों को बना कर दीजिएगा, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो इसको अच्छे से स्प्रेड कर लें। गार्लिक चटनी बनाने के लिए लहसुन, मिर्ची, नमक और थोड़ा सा तेल डालकर कूट लें तो गार्लिक चटनी तैयार हो जाएगी। अब हम इस पर सबका फेवरेट इंग्रेडिएंट चीज़, ग्रेटेड चीज़ हम डालेंगे। नॉर्मली प्रोसेस्ड चीज़ जो अवेलेबल है अमूल का, वही मैंने लिया है ग्रेट करके। तो काफ़ी सारा चीज़ जो है इसमें डाल दें। अब चीज़ डालने के बाद इसमें चिली फ्लेक्स डाल दें, ऑरेगानो पसंद हो तो वो भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, आपको जो हर्ब्स पसंद हो वो डाल दें। और अब इसे ढक कर रख दें जब तक चीज़ मेल्ट हो और ब्रेड की लेयर सिक जाए अच्छे से। तो इसको पकने में कम 3-4 मिनट लगेंगे। 3-4 मिनट के लिए इस तरह से ढककर रख दें। आप देख सकते हैं चीज़ काफ़ी अच्छा मेल्ट हो चुका है, मुंह में पानी आ रहा है, इतना अच्छा बन चुका है और ब्रेड की लेयर भी जो है वो पक चुकी है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे, सर्विंग प्लेट में, और इसको मनपसंद डिप के साथ सर्व करें। मैंने यहाँ पर ये एगलेस ऑमलेट सर्व किया है टोमेटो केचप और रेंच सॉस से। रेंच सॉस आपको इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आप देख सकते हैं चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसको काट लें, कट करके और सर्व करें। तो तैयार है आपका क्विक एंड इजी टेस्टी नाश्ता। इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये नाश्ता आपको कैसा लगा। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, स्क्रीन पर मेरी चैनल का आइकन है, उसे क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।